समझ नहीं है कि यहाँ से फॉल बैक करने का क्या मतलब बनता है, बिकॉज यू ऑलरेडी गॉट टीम ऑरेंज रॉक वहाँ पे, आप ऊपर बैठे रहे, थोड़ा सा और आगे जाते आपके पास एक टॉप व्यू आता, बट यहाँ पे ब्रागन 87-88 जॉनथन को पूरा फिनिश करा, जी गॉड ने वहाँ पे कुछ रिटेलिएशन शॉट्स में वहाँ पे ब्रागा को नॉकडाउन करा, टीम एंटी क्रेटोस को नॉकडाउन विद ऑरेंज रॉक, मावी के M416 के शॉट्स के द्वारा, टीम सिनर्जी के टेड वहाँ पे जोन का डैमेज ले रहे हैं, बट बॉक्स लुइस ये प्लेयर ने BTR के लक्सी को यहाँ पे नॉकडाउन एंड फिनिश कर दिया है। जी हाँ बिल्कुल, और BTR के लक्सी यहाँ पे लुइस को स्पॉट आउट करेंगे और उनको फिनिश ऑफ भी कर देंगे, बट इसी के साथ यहाँ पे जंग छिड़ चुकी है ऑरेंज रॉक और टीम आईएनडी के बीच में, क्रेटोस जरूर नॉकआउट होंगे, बट स्नैक्स का शानदार नॉकआउट था वह मवी के ऊपर, बट स्काउट के सामने नहीं टिक पाएंगे क्योंकि इसी के साथ टीम ऑरेंज रॉक ने आईएनडी को एलिमिनेट कर दिया। BTR की फाइट यहाँ पे चलती हुई बॉक्स गेमिंग के साथ राइजन बाहर से नॉकआउट हो चुके, लक्सी भी वहां पे नॉकआउट हो चुके, बट उन्होंने मेक श्योर करा कि BTR को भी फिनिश कर दे, फिर मैंने यहाँ पे टेड को भी फिनिश कर दिया, यहाँ पे चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है केतन। बिल्कुल, बट टीम सिनर्जी एलिमिनेट होगी, हमारे पास टॉप 9 टीम जिंदा है, 25 प्लेयर्स आर अलाइव, वेल्डर्स के प्लेयर्स चारों प्लेयर जिंदा है, चार किल के साथ मेगा स्टार्स के भी चारों प्लेयर जिंदा है, देखते कौन सी टीम यहाँ से चिकन डिनर निकाल के जाएगी। पैराडॉक्स को भी शॉट्स पड़ते हुए, कैन ही गेट नॉक डाउन ओवर देयर, अभी स्वैग नॉक डाउन है, पैराडॉक्स इज 1 HP, देखते स्वैग को यहाँ पे रिवाइवल का मौका तो नहीं मिल सकता, 3 किल उनके पास भी है, बट जोन एडवांटेज यहाँ पे ऑरेंज रॉक के पास बनेगा बिकॉज उनके पास हायर है, जब थोड़ा सा नीचे उनका आना, बट यहाँ पे 3 नेट जरूर फेंका था, KOG का स्कोर एलिमिनेट होगा, TSM NTD एलिमिनेट होती हुई नजर आएगी, टॉप 6 टीम्स आर अलाइव, ऑरेंज रॉक के प्लेयर्स के लेफ्ट हैंड साइड में हम लोगों को रिजेक्ट स्कारलेट नजर आ रहे हैं, जिसके सारा और ड्यूएलो दिक्कत बाद में दे सकते, बट T1 का स्क्वाड भी एलिमिनेट हो चुका है। जी हाँ बिल्कुल, ऑरेंज रॉक के पास एक बहुत ही अच्छा मौका है यहाँ पे चिकन डिनर निकालने का, बहुत ही एक अच्छा हाइट एडवांटेज है, बट इनको भी सर्कल के अंदर आना पड़ेगा, वेल्डर्स के चारों प्लेयर्स जीवित अभी भी है, स्काउट ने वहां पे ब्रागा का जो है किल कंफर्म कर दिया, मेगा स्टार्स की स्क्वाड अभी भी जीवित है, बॉक्स के पेबे की तरफ किसी भी क्षण पुश कर सकते हैं, आर्म जॉन को जरूर नॉक किया था, दूसरा नॉक लेने की कोशिश, JCC को भी नॉक कर दिया यहाँ पे, तीसरे नॉक को भी देते हुए, बट इसी के साथ मार्टिन ने यहाँ पे बहुत बेहतरीन तरीके से उनको फिनिश कर दिया, बट ऑरेंज रॉक के स्काउट को ऑलरेडी भनक लग चुकी है कि वेल्डर्स के प्लेयर्स कहाँ पे मौजूद है। बिल्कुल, स्काउट को स्पॉट जरूर कर चुके थे मार्टिन, बट अब मार्टिन के पास एक हेलमेट भी नहीं है, अब एक हेडशॉट अगर आपको एक बुलेट लगती है AKM की, यू विल गेट नॉकडाउन, बट उसके चलते मेगा स्टार्स के प्लेयर्स अंदर आने की कोशिश करें, बट वीरू उनको रोकेंगे, गेट कीपिंग जरूर चलेगी, बट मिड रेंज फाइट से गिल्ले भी यहाँ पे अपनी गन से नॉकडाउन करने प्लेयर स्टार्ट कर चुके हैं, पैराडॉक्स उन्होंने नॉकडाउन करा, वेक्सी को पूरा फिनिश करेंगे गिल, और वीरू भी वेक्सी को यहाँ पे दिक्कत देंगे, नॉकडाउन करा था गिल ने, पूरा करा वीरू ने, अब यहाँ पे टीम वर्क देखने को मिला, मेगा स्टार्स के चलते एलिमिनेट हो जाएगी, एनकोर का जो गिल था वो निकालेंगे गोडार्ड, अब वेल्डर्स के जो JCZ है उनका भी पूरा फिनिश करेंगे, बिकॉज अब ऑरेंज रॉक के पास 10 किल आ चुके हैं, दे गॉट दैट गॉड हिल जहां पे वो लोग एक गॉड से एक गॉडली नजर रख पाएंगे, जितने भी नीचे से प्लेयर ऊपर आएंगे, बट RCS के इकलौते प्लेयर बचेंगे यहां पे, ड्यूएलो और लेफ्ट हैंड साइड में मार्टिन, अब 4 vs 1 vs 1 की फाइट है, ड्यूएलो भी यहां पे फिनिश होंगे मावी के द्वारा, दिस विल बी 1 vs 4 सिचुएशन। एक चीज और, मार्टिन के पास यहां पे हेलमेट भी नहीं, उसके चलते ऑरेंज रॉक के वीरू क्लोज इन कर चुके, उनको पता है कि प्लेस कहां पे, बट यहां पे मार्टिन ने ऑरेंज रॉक के गिल को नॉकडाउन जरूर करा, बट चलते यहाँ पे ऑरेंज रॉक विल बी गेटिंग दैट विनर विनर चिकन डिनर ऑन दैट मीरामन मैच, और कितनी